निकाल लिया भड़ास, लगा लिया अपना अंदाजा, कर दिया वन साइडेड फैसला, और इन सब चीजों के बावजूद भी मुझे वीडियो में कहा जा रहा था कि सही इन्फॉर्मेशन देना। भाई वीडियो का एक छोटा सा क्लिप डाला था मैंने, एक छोटा सा क्लिप, वो भी ब्लर किया हुआ, फिर भी यूट्यूब ने क्या किया भाई, रीच बंद कर दिया। और ऐसा कोई भी मुद्दा होता है ना, इसके ऊपर में यूट्यूब का एक्शन यही होता है। इसके वजह से मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, वीडियो बहुत सारे जगह पे है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलो यार, लास्ट वीडियो में सभी लोग कह रहे थे कि मामला क्या है, कहाँ पे हुआ है, एग्जैक्टली तुझे पता भी है क्या, तुझे कैसे मालूम। तो चलो यार, आपको ना पूरे तरह से न्यूज बता देता हूँ। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा। और बड़ा कह रहे हो ना न्याय 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 का, मैं एक चीज का दावा कर रहा हूँ कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से प्रियदर्शनी का मामला को सामने लाया था ना, इस मुद्दे को सामने नहीं लाने वाला है। पीछे का रीजन क्या है ना, वो बहुत तगड़ा रीजन है, वो भी बताऊंगा। और क्या सही है क्या गलत पे फैसला लेने की बात हो रही है, इक्वालिटी की तो बात हो ही नहीं रही है, और ना ही फेमिनिज्म की बात हो रही है। तो चलो यार, एकदम विस्तार से बात करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। जगह का नाम प्रोनाउंस करने में हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जगह का नाम कुछ बालोडा या ब्लोडा करके है, और ये एग्जैक्टली मुजफ्फरपुर है या मुजफ्फरनगर, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कोई बिहार कह रहा है, कोई छत्तीसगढ़ कर रहा है, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है कि कहां हुआ है, मेन मुद्दा ये है कि क्यों हुआ है। देखो, होता यह है कि ये जो दो भाई साहब है ना, ये दोनों भाई साहब मिलकर के वो जो मैरिड महिला है उनके पति के पास जाकर के कहते हैं कि अपनी बीवी को और अपनी बीवी के बहन को मेरे साथ सोने के लिए भेज दे। एग्जैक्टली दैट वॉज द थिंग, यही कहा गया था। अब इसके रिप्लाई में आप सोचो कि पति एकदम भड़क गया होगा, एक बड़ा एक्शन लेने का सोचा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पति का कहना यह था कि हाँ ठीक है, हमारे में चलता है, अब ये देवर लगते हैं या नहीं लगते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि ये भाई साहब जो है हमारे मासूम मोदी जी की जो पार्टी है ना, उस पार्टी के काउंसलर है। जी बिल्कुल, हमारे मासूम मोदी जी जो कि हमारे लिए इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं ना, इनके पार्टी में ज्वाइन होने का गलत फायदा उठा रहे हैं, जबकि हमारे पीएम साहब हमेशा हमारे भला के लिए ही अपना कदम उठाते हैं। लेकिन हमारे मासूम पीएम साहब को यह भी नहीं पता है कि उनके पार्टी में ज्वाइन किए हुए लोग किस तरह से उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से पति ने कहा कि ऐसा चलता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर विद्रोह किया तो भाई ये लोग आकर के जान से भी मार सकते हैं उसे और उसकी फैमिली को। तो इस मुद्दे में जो वो शादीशुदा महिला दिख रही है, उनके तरफ से भाई कड़ी निंदा थी कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले और हम इसको जाके मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो कि एक तरह से गलत है कि भाई आप खुद जाकर के लड़ लो। इस चीज के लिए मैं और जितने भी लोग कानून का सम्मान करते हैं उनके तरफ से भाई कड़ी निंदा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुद डंडा लेकर के नहीं जाना चाहिए था। तो शादीशुदा महिला ने जो है इस बात पे कड़ी निंदा दिखाई कि भाई ऐसा नहीं करने वाले हैं और इस चीज के ऊपर मैं एक्शन लेंगे और देखो मैं उसको कैसे जवाब देती हूँ। ये इंसिडेंट के बाद में कुछ ऐसी स्टोरी फैलाई गई उन दो व्यक्ति द्वारा जिनको आपने देखा वीडियो में कि वो उन दो औरतों को धो रहे थे, तो उनके तरफ से ये स्टोरी फैलाया गया कि भाई वो उनके साथ में मतलब कर चुके हैं जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है और उसका रेट वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर में जो भी भद्दी तरीके से कमेंट करना वो किया और उसको फैलाया। फैलाने के बाद में हर वो व्यक्ति जो कि अपने ही फोटो को खुद लाइक कर देते हैं, खुद जाके कमेंट भी करते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया है, तो ये सारी चीज करने के बाद में वो एकदम चौड़ होकर बैठे हुए थे और उसी चीज का जो है गुस्सा निकालने के लिए ये दोनों पहुंची थी, जिसकी वजह से आप वीडियो में सुनोगे कि वो लोग कह रही कि हिम्मत कैसे हुई ऐसे कमेंट करने की। तो एग्जैक्टली अगर ये टीजिंग नहीं है तो और क्या है? किसी को ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ में सोना चाहता, तुम्हारे साथ में ऐसी एक्स करना चाहता हूं, तो भाई इसका मीनिंग क्या होता है? और देखो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो को भी जो है YouTube जो है अपना रीच रोक देगी और इसको भी बोलेगी ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसके अंदर में बहुत ज्यादा वायलेंस है, जबकि ना ही मैं एक फुटेज डाल रहा हूं, ना ही कोई हेट सामने लेकर के आ रहा हूं। यहां तक सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो क्यों इस न्यूज को जो है अपने चैनल पर नहीं दिखा रही है। अब मुझे यार बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि प्रियदर्शनी के टाइम पे जितने भी लोग ये कह रहे थे कि भाई कानून को जो है अपना पावर दिखाना चाहिए, ये चीज गलत हुआ है, वो सिर्फ सही और गलत का साथ दे रहे हैं, ना कि लड़का और लड़की का फर्क कर रहे हैं, भाई वो लोग इस इंसिडेंट पे आकर के ये क्यों कह रहे हैं कि ये एकदम सही हुआ है, ये जवाब मिल गया है? कैसे जवाब मिल सकता? मान के चलो कि आपके किसी एरिया में किसी और ने जो है उधारी लिया है, वो नहीं चुका रहा है, तो उसके उधारी मांगने के लिए अगर आपके दरवाजे पे लोग खड़े हो जाए तो क्या आप उसका भुगतान करते रहोगे? ये तो वही वाली बात होगी कि करे कोई और भरे कोई। देखो, जिस तरह से लड़कियां अपना परसेप्शन बना के बैठी रहती है ना कि तुम सारे मर्द एक ही तरह के होते हो, तो भाई बिल्कुल ऐसे ही हम भी अपना परसेप्शन बना रहे हैं कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। अपने थोड़े परसेप्शन को चेंज करो, समझने की कोशिश करो कि आप क्या कह रहे हो और किस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। आपके एक गलत कमेंट की वजह से दूसरे लोग मोटिवेट हो जाते हैं और इस इंसिडेंट को भी देख करके लोग इसी तरह से मोटिवेट हो रहे हैं कि अब तो हम ऐसे ही करेंगे। कैसे कर सकते हो मैन?
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो मासूम पीएम साहब है उनके पार्टी से जुड़े होने के कारण लास्ट टाइम में भी प्रियदर्शनी पे कोई एक्शन नहीं लिया गया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया जाने वाला है। लेकिन अगर आप जोर दिखाओगे तो कम से कम एफआईआर तक तो भाई मामला पहुंचेगा, और क्या पता उसके बाद से जो है इंसाफ भी हो जाए। और लास्ट वीडियो में सभी लोग कह रहे थे यार कि तुम कौन होते हो जज करने वाले। आई एम नोबडी मैन, मैं कोई नहीं होता हूँ जज करने वाला। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट को लाके सामने रखा था, उस वक्त तक जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बताया। आप लोगों के इतने सारे सवाल थे जिसकी वजह से मैं ये दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। आई होप कि आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला होगा, और अब आपको क्या करना है वो आपको बेहतर तरीके से पता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइन ओवर एंड अस्तला विस्ता। वैसे एक और मुद्दा है जिसके ऊपर मैं जो है ना वो जो एंटी रोमियो वाले होते हैं, बजरंग दंगल वाले होते हैं, उनके ऊपर में भी कुछ दिमाग में चल रहा है, लेकर के आऊं या नहीं यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर लिखना। बाय बाय।